देखो आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है? पीछे वाला जितना भी हो गया है उसमें अगर किसी को डाउट हो तो वैसे तो तुम क्लास में भी पूछ सकते हो, अगर मान लो नहीं पूछना क्लास में तो तुम मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है? और किसी का छूट गया हो, किसी ने क्लास नहीं ली हो, तो वो भी अपना एक बार कंप्लीट कर लेना जब भी तुम लोगों को टाइम मिले, क्योंकि शीट्स में भी रिकॉर्डिंग्स डल गई है सारी। बिटली शीट में एक लास्ट वाली रहती है तुम्हारी, बाकी सारी उसमें डल चुकी है, ठीक है? वहां से एक्सेस कर सकते हो। देखो आज क्या स्टार्ट करना है, पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले ना कुछ चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ कुछ टर्म्स हैं जो इसमें यूज होती है, जैसे एक तो आपका यूज होता है वेरिएबल, आपको पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होता है, ठीक है? क्या होता है वेरिएबल? आज तुम सारे माइक में ही जवाब देना, मैंने उससे ज्वाइन नहीं कर रखा फोन से। हाँ बोलो बेटा, जिसने भी किया है। मैम, लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। अच्छा, लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड, क्या ये एक डेफिनेशन है इसकी? लेटर्स के थ्रू तो ना हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई वैसे पूछ ले वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, या जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। वेरिएबल में ही वर्ड छुपा हुआ है आपका, क्या? वेरी। वेरी का मतलब जो फिक्स्ड नहीं है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। वेरिएबल्स को आप मैथमेटिक्स में दिखाते दिखाते कैसे हो? यूजिंग अल्फाबेट्स, जैसे एक्स वाई जेड या कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? तो यस मैम। इनके थ्रू आप रिप्रेजेंट करते हो। मतलब क्या है इसका कि आपकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरिएबल की फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। अगर वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, फिर एक टर्म आपकी क्या आती है, कॉन्स्टेंट, ठीक है? कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा फिर? वैल्यू हाँ, जिनकी वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो। अब मान लो कोई स्क्रीन पे 2 लिख देगा, तो 2 को 3, 2 3 तो नहीं है ना, 2 4 है, 2 2 ही है, फिक्स्ड वैल्यू है उसकी, ठीक है? या फिर और कोई एग्जांपल भी दे सकते हो क्या तुम? जैसे पाई हो गया, ठीक है, 22/7 लिख लो। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो पाई की चलो कोई नहीं लिख पाता, 22/7 लिख लो, ठीक है? ये क्या है, इनकी वैल्यूज क्या है, फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है कि ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है? तो ऐसे नंबर्स को आप क्या बोलते हो, कांस्टेंट क्वांटिटीज, ठीक है? अच्छा, थर्ड क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसमें इससे पहले आप एक चीज और समझ लो, टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, टर्म्स क्या होती है। हाँ बेटा बोलो। मैम, द मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन साइंस, ऑल दोस साइंस कम इन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ देखो, टर्म्स क्या होता है, अगर आपको वेरिएबल पता है, वेरिएबल क्या है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड कोई चीज जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो टर्म्स इन्हीं दो चीजों से मिलके बना है, ठीक है? टर्म्स के अंदर खाली वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, खाली कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, और वेरिएबल और कॉन्स्टेंट दोनों दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है? अब जैसे मान लो मैंने स्क्रीन पर लिख दिया एक्स, तो क्या ये एक टर्म है? ये टर्म है। एक 2x लिख दिया, क्या ये भी एक टर्म है? ये भी एक यस टर्म है। मैम। वेरिएबल कांस्टेंट को मिक्स करके लिखा हुआ है, देखो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट 2 है, वेरिएबल x, x की आप कोई डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डाल सकते हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। सिमिलरली एक वेरिएबल के थ्रू मैंने क्या लिख दिया है, टर्म लिखी हुई है। इसी तरीके से अगर मैं ऐसे लिख दूं, क्या ये भी एक टर्म है? यस मैम। क्या ये भी एक टर्म है? यस मैम। ठीक है, यस मतलब मैम। बेसिकली क्या है, खाली, अच्छा हाँ, एक कांस्टेंट भी लिख दो, मान लो खाली ऐसे भी लिख दो, ये भी क्या है आपकी एक टर्म। देखो मैंने सारे इसमें यूज कर लिए, खाली वेरिएबल भी लिख दिया, खाली कांस्टेंट भी लिख दिया, वेरिएबल कांस्टेंट का पेयर लेके भी लिख दिया, ये सब क्या है, बेसिकली टर्म्स है, ठीक है? अब इन्हीं सारी टर्म्स को इकट्ठा करके आप प्लस माइनस साइन लगा के जोड़ कर लिख दोगे, उसी चीज को क्या बोल देते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस यस मैम। क्या ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस मैम। यस मैम। यस। यस अच्छा, मैम। इसमें टर्म्स कितनी है, मुझे ये बताओ कितनी टर्म्स जुड़ी हुई हैं यहाँ पर? टू टू नंबर वन। टू
टू नहीं है बेटा, देखो ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, 2x + x हाँ बेसिकली क्या होता है, 3x। तो ये टर्म कितनी है यहाँ पर, 1 है। यहाँ कोई तुमसे टर्म पूछ ले तो दो टर्म्स को ऐड करके लिखा हुआ है, दैट मींस टर्म्स कितनी है यहाँ पर, 2 टर्म्स है। ठीक है, मान लो आपको एक और एग्जांपल दे देते हैं, √3x + y² + x^-1, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? नो मैम, नो मैम, नो मैम, अच्छा क्यों नहीं है? मैंने तो कोई लिमिटेशन लगाई नहीं थी, मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? अभी तक तो नहीं लगाई, क्यों नहीं है बताओ? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉलिनोमियल नहीं है, अभी मैंने पॉलिनोमियल का डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है। पॉलिनोमियल पे सर। रिस्ट्रिक्शन लग जाती है अपनी, वो हम देखेंगे, बट ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर आपको एक से ज्यादा वेरिएबल दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक्स की पावर क्या दिख रही है, नेगेटिव दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। टर्म्स हैं, टर्म्स को ऐड करके लिखा हुआ है, ये क्या है, आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब जो बच्चे नो बोल रहे थे, वो मेरे ख्याल से उनको पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट ध्यान है, इस वजह से इसको मना कर रहे थे कि ये नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, उसका रीजन दे दो तुम मुझे। वेरिएबल पावर नेगेटिव हाँ, वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, पॉलिनोमियल के ऊपर क्या कंडीशन लग जाएगी? ये जो वेरिएबल्स तुम्हें दिख रहे हैं, इनकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, आपकी पावर क्या होनी चाहिए? नंबर्स, होल नंबर, होल नंबर। अच्छा, होल नंबर को किसी और नाम से भी जानते हो? एंड नॉन नेचुरल नेगेटिव। नंबर्स विद जीरो। हाँ नहीं, हाँ, नेचुरल नंबर प्लस जीरो तो ठीक है, मतलब एक कोई टर्म देनी हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिख सकते हैं क्या? नॉन यस नेगेटिव मतलब कौन कौन से बच गए, तो पॉजिटिव इंटीजर बच गया, और जीरो भी क्या है, नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, वो उसी कैटेगरी में आ गए, ठीक है। तो जीरो भी आ गया और सारे नेचुरल नंबर्स भी आ गए, उसी को आप क्या बोलते हो, होल नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछ ले पॉलिनोमियल की क्या कंडीशन है, सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, तो आप क्या बताओगे? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे कोई कंडीशन नहीं होती है, टर्म्स होती है, टर्म्स को उठा के प्लस माइनस के साथ एड सब्ट्रैक्ट करके आप लिख दो, वो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसके ऊपर एक कंडीशन लगा दोगे कि जो पावर है वेरिएबल्स की, वो पावर होल नंबर होनी चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल। तो आप बोल सकते हो क्या, हर पॉलिनोमियल एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट इसका उल्टा ट्रू नहीं है कि हर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पॉलिनोमियल नहीं होती है, क्लियर है ये चीज? यस यस चले आगे। मैम। अब मान लो देखो एक और एग्जांपल है, x + 1/x + 2x² - y, ये बताओ क्या चीज है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, यस, पॉलिनोमियल। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ठीक है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये है, पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? मैम वन बिकॉज अपॉन इट्स इन 1/x, सो इट्स पावर वुड बी हाफ। नहीं, हाफ नहीं बेटा, हाफ नहीं होगी। -1 हाँ, ये जब तुम इसको प्रॉपरली लिखोगे तो ये बेसिकली क्या है, x + x^-1 + 2x² - y, ये जो पावर है ये किसमें आ गई आपकी, नेगेटिव में आ गई, बेसिकली ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन क्या अगर वायलेट करे तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं है। अब मैं तीन एग्जांपल देख रही हूँ, मेरे को बताना इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। बताओ। मैम मैम थर्ड वन इज नॉट इन फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड इज पॉलिनोमियल। यस मैम, थर्ड वन इज नॉट अ वन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। थर्ड वन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, अच्छा ये बना कर रहे हो, ये है क्या? यस मैम, यस मैम, इट इज अ यस मैम। अच्छा, ये पॉलिनोमियल इन मल्टी वेरिएबल हो गए बेसिकली, ये तुम लोग नहीं पढ़ते हो, तुम लोग वन वेरिएबल में पढ़ते हो, ठीक है, जिसमें एक ही वेरिएबल होता है, जैसे एक्स हो गया तो एक्स ही है पूरे में, वाई है तो वाई है। यहाँ पर एक्स भी दिख रहा है आपको, वाई भी दिख रहा है, ठीक है।
तो कई बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैम यहाँ दो दो वेरिएबल्स देखिए, बेटा पॉलिनोमियल फिर भी है ही, ठीक है, बट हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ते हैं, ये टू में है, ठीक है, और ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है, पावर्स होल नंबर है यहाँ पर। यहाँ दिक्कत क्या आ गई थी थर्ड वाले में, पावर क्या हो गई थी आपकी, नेगेटिव हो गई थी, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है, इस वजह से ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्लियर है। अब पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, जैसे मान लो इसी को मुझे रिप्रेजेंट करना है, मैं कैसे लिख दूंगी, पी एक्स इज इक्वल एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। अब जरूरी नहीं है पी करके लिखो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और कुछ भी लिख सकते हो, पीजीएफ तो मैंने यूज कर लिया, और कुछ यूज कर लो, आर एक्स यूज, कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो ये एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, जो तुम्हारा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसके अंदर वेरिएबल क्या है, एक्स है, ठीक है। अगर बाय चांस यहाँ तुम वाई में लिख देते, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई, तो तुम इसको पी वाई से रिप्रेजेंट कर देते, ठीक है, जो पॉलिनोमियल है वो उसमें वेरिएबल क्या है, बेसिकली वाई है, ठीक है, क्लियर है ये चीज। यस मैम। यस मैम। चले आगे, नेक्स्ट क्या आता है यस आपका, मैम। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है भाई, मैम हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सपोनेंट टर्म। हाईएस्ट पावर ऑफ दी, हाँ हाँ बोलो बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक देखो हमने क्या पढ़ा था, हाईएस्ट पावर ऑफ द मैम हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जैसे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है, हम क्या चेक करते हैं डिग्री में, पहले तो मुझे ये बता दो यहाँ टर्म्स कितनी है, थ्री टर्म्स है, एक ये एक ये एक ये, यहाँ टोटल टर्म्स कितनी है, थ्री टर्म, ठीक है। हम लोग टर्म्स में देखेंगे कौन सी टर्म में वेरिएबल की पावर जो है सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स की पावर क्या है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या, यस मैम। यस मैम। एक्स की पावर 0 1 होता है, ठीक है, तो तुमको दिख रहा है यहाँ एक्स की पावर 2 है, इधर एक्स की पावर 1 है, इधर एक्स की पावर 0 है, तो तुमसे डिग्री पूछेगा तो तुम्हें क्या बताना है, हाईएस्ट पावर, ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी टर्म में है, इस टर्म में है, और कितनी है, 2, तो 2 ही आपकी इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब किसी को डिग्री देखना नहीं आता ना, तो वो पॉलिनोमियल के टाइप्स डिग्री के बेसिस पे नहीं बता सकता, और अगर मान लो किसी को टर्म्स के बारे में नहीं पता टर्म्स कैसे देखते हैं, तो वो पॉलिनोमियल का टाइप होता है आपका, टर्म्स के बेसिस पे वो फिर वो भी नहीं मतलब डिवाइड कर पाएगा कि भाई मोनोमियल किसको कहते हैं, बाइनोमियल किसको कहते हैं, ठीक है, तो टर्म्स और डिग्री आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है, इसकी डिग्री क्या है, फोर, ठीक है, इसकी बताओ मैम, फाइव 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 फाइव, सोच लो, मैम फाइव, फिर से सोच लो एक बार, मैम फाइव, हाँ बोलो बेटा, मैम फाइव, मैम ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। हाँ यस मैम, पॉलिनोमियल नहीं है, देखो डिग्री तब देखेंगे ना जब वो पॉलिनोमियल होगा, कोई चीज है ही नहीं पॉलिनोमियल, उसकी क्या डिग्री देखेंगे। ये मैंने जानबूझ के लिखा था, यहाँ पर देखो ये पावर क्या होगी एक्स की -1, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, और ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो आगे वाले कॉन्सेप्ट पे तो हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है, क्लियर है ये चीज, ठीक है, ऐसे पागल बना सकते हो तुम लोगों को, काम ही है उनको बनाना। अब देखो ये हमने वन वेरिएबल में पढ़ लिया, मान लो कुछ इस तरीके से लिखा हो, अब तुमसे इसकी पूछ ले वो डिग्री, तो कैसे बताओगे, मैम टू देखो यहाँ मोर देन वन वेरिएबल यूज हो रखा है, ऐसे केस में क्या करना है, टोटल पावर देखो, ये टर्म तुमने पकड़ी, यहाँ टोटल पावर कितनी है वेरिएबल्स की, एक वन वन वन, टोटल कितनी है, वन प्लस वन प्लस वन, थ्री, थ्री, इधर वेरिएबल की पावर क्या है, टू, तो आंसर क्या हो जाएगा, थ्री, थ्री, ठीक है।
मान लो इस तरीके से दिया हो, ये वैसे तुम्हारे काम का नहीं है बट स्टिल थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? फोर। देखो यहाँ वेरिएबल की डिग्री है मतलब पावर कितनी है, थ्री। यहाँ कितनी है पावर, वन। और यहाँ टोटल पावर कितनी है टर्म में वेरिएबल्स की, टू प्लस टू मतलब डिग्री अगर कोई पूछ ले तो तुम्हारी क्या हो जाएगी? क्लियर है ये चीज? चले आगे। नेक्स्ट आपका क्या है, ये चीजें आपको पता चल गई, हमने क्या क्या पढ़ लिया, वेरिएबल पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, कॉन्स्टेंट पढ़ लिया, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ ली, पॉलीनोमियल पढ़ लिया, डिग्री पढ़ लिया। अच्छा नेक्स्ट चीज क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। अब दो तरीके से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, एक तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पे, और एक क्या करते हैं आपकी डिग्री क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब जैसे आपने पीछे एक एग्जांपल लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, यहाँ तुम्हें टर्म्स कितनी दिख रही हैं? दो। अगर मान लो तुम्हें कोई ऐसे लिख दे, यहाँ कितनी टर्म्स दिख रही हैं? वन। ऐसे पॉलीनोमियल में जिसमें टर्म वन होती है उसको क्या बोलते हो? Monomial. अगर दो टर्म्स दिख जाए मान लो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब आपको दो टर्म्स दिख रही। अच्छा इस बायनोमियल पे पूरा 11th में तुम्हारा एक चैप्टर है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपका क्या है, अगर मान लो थ्री टर्म्स दिख जाए ट्राइनोमियल तो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। ये किस बेसिस पे हो गया आपके डिविजन? टर्म्स के बेसिस पे, एक टर्म है, दो टर्म है, थ्री टर्म है, तो मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। डिग्री के बेसिस पे क्या हो जाएगा? अगर डिग्री वन है, डिग्री वन का मतलब क्या है, कोई ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, वन है। ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो तुम मुझे? और भी दे सकते हो, टू एक्स प्लस थ्री, सारे ठीक है। इनमें क्या दिख रहा है तुम्हें, अगर कोई तुमसे इसकी डिग्री पूछ ले, हाईएस्ट पावर पूछ ले, वेरिएबल की कितनी है, वन है, ठीक है। तो ऐसे पॉलीनोमियल्स को तुम क्या बोलोगे? लीनियर पॉलीनोमियल। क्लियर है? क्वाड्रेटिक, सेकंड आपका क्या आता है, क्वाड्रेटिक। इसके ऊपर भी पूरा चैप्टर है तुम्हारा 11th क्लास में, ठीक है, जिसको तुम क्या बोलते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हो बेसिकली 11th में। पर वो निकल के क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से ही आया है। इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक बार देख लो कैसे क्या होती है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में क्या हो जाएगा, डिग्री आपकी क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। मतलब बेसिकली जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर या पावर चेक करोगे तो हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए आपकी, टू होनी चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, और कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? एक्स स्क्वायर माइनस टू हो गया, और कोई एग्जाम्पल? ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ये सारे क्या है, ऐसे पॉलीनोमियल्स हैं। देखो पॉलीनोमियल तो है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलीनोमियल है। उसके बाद हम जब डिग्री चेक कर रहे हैं तो डिग्री क्या है उसमें, टू टू है डिग्री सब, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्यूबिक में क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर थ्री। पावर हो जाएगी थ्री, जैसे एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, ठीक है। ये भी क्या है आपकी, क्यूबिक पॉलीनोमियल है। और एक और देख लो, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हो या क्वाड्रेटिक बोलते हो उसको, उसमें क्या हो जाएगा आपकी पावर, बाई क्वाड्रेटिक में पावर कितनी हो जाएगी आपकी, फोर। जैसे एक्स फोर हो गया, ठीक है, एक्स की पावर फोर प्लस टू हो गया, इनमें पावर क्या है, फोर है हाईएस्ट, डिग्री क्या है, फोर। दैट मीन्स ये क्या हो गया आपके, बाई क्वाड्रेटिक। अब जब तुम 11th में पढ़ोगे ना, उसमें तुम क्या पढ़ोगे, तुमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पढ़ लिया, ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस टू तुमने देख लिया, या एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू तुमने देख लिया, तुम्हें पता चल गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ठीक है। वो 11th क्लास में क्या करेंगे, इसके आगे इक्वेशन का साइन लगा के इसको जीरो के इक्वल रख देंगे, और इसको वो क्या बोल देंगे, जब भी कभी इक्वेशन का साइन लग जाता है वो चीज क्या बन जाती है, इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका पूरा चैप्टर इस पर है,
जो आप पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें वो रूट्स निकालने को बोलेगा, नेचर ऑफ रूट्स निकालने को बोलेगा कि किस तरीके के रूट्स आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं, इमेजिनरी आ रहे हैं, तो सारा का सारा चैप्टर इस पे है। तो देखो कोई नई चीज नहीं है। अब जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप जीरो निकालना सीखोगे, ठीक है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट सम पर्टिकुलर पॉइंट आप निकालना सीखोगे, वही चीज अगर आपको नहीं आती है तो वो चीज फिर आगे आपको प्रॉब्लम देगी, ठीक है, निकल के तो सब कुछ वहीं से आया है। तो ये चीज आपके लिए छोटा सा डिफरेंस है, बस नहीं हो जाएगी, भाई इक्वल टू जीरो रख देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है सबको? चले यस मैम। अब एक और नई चीज क्या है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, नाम से ही पता चल रहा है कॉन्स्टेंट, ठीक है, जहां पर तुम्हें क्या ना दिखे, वेरिएबल ना दिखे, जो चीज फिक्स्ड हो। तो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स दे सकते हो मैम? 1 2 मैम 5x 1। अच्छा एक बार सारे बोल दो फिर जो तुम्हारा दिल में आ रहा है। 1 2 5x 10 और कोई 7 x स्क्वायर एक्स स्क्वायर टेन। अच्छा देखो 1 2 7 ठीक है, कॉन्स्टेंट है बेटा, यहाँ पर तुम लोगों ने वेरिएबल डाल दिया, एक्स वेरिएबल आ गया। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल में आपका वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर वेरिएबल नहीं है, जैसे मान लो अगर मैंने खाली 1 लिखा हुआ है, तो 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? यस मैम। यस मैम ऐसे लिख सकती हूँ। 7 को ऐसे लिख सकती हूँ। Yes, 10 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 10 इंटू एक्स की पावर 0। yes, तो फर्क पड़ेगा? No. ये दोनों तो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर तुमने वेरिएबल डाल दिया, अब वेरिएबल तुम इसमें भी लिख रहे हो इसकी पावर 0 है। अब मैंने ये इस फॉर्मेट में क्यों लिखा है, वो तुमसे पूछेगा कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। बताओ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ठीक है। वेरिएबल की पावर क्या है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा क्या, जीरो ही रहती है यहाँ पर तो हमेशा। क्लियर है ये चीज? अब तुम मुझे जीरो पॉलिनोमियल बता सकते हो क्या? ये तो हो गया कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, एक हो गया आपका जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो, जीरो, जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो। अच्छा इस पे एक क्वेश्चन है, उसका आंसर तुम मुझे कॉल पे देना, ठीक है। डिग्री बताना है, ठीक है, इसकी कोई भी मुझे वैसे नहीं बताएगा। और पहले एक बार पोल पर मार्क कर दो, फिर मैं तुमसे रीजन पूछूंगी जो भी तुम मार्क कर रहे हो। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। Ma'am, do we have to tell the degree of zero? Degree of zero polynomial. Zero polynomial तुमने क्या बताया? Zero को बोलते हैं, ठीक है? तो अब आपको इसकी degree बतानी है। थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, क्या तुम निकाल सकते हो क्या उस चीज को? निकालोगे तो कैसे निकालोगे? ठीक है मैम, ग्यारह ही वोट आया अभी, फटाफट कर दो आंसर एक बार। तुम लोगों को आंसर देने में मजा नहीं आता क्या, जो बच्चे देते नहीं है? पोल तो कराया ही सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही जाता है, हमारा तो सिर्फ टाइम ही जा रहा है उसमें। ठीक है जिसने कर दिया, और किसी को देना है मैं एंड कर दूं पोल? धीरे धीरे करके मेरे पास चार ऑप्शन आ गए हैं।
ठीक है चलो मैं एंड कर रही हूँ. देखो इसका आंसर जिसने भी लास्ट ऑप्शन दिया है वो ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड. अब रीजन क्या है कोई देना चाहेगा आंसर तुम लोगों को? हाँ बोलो बेटे बोलो जिसने एड्रेस किया. मैम जीरो की डिग्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही होगी क्योंकि जब जीरो कुछ होता ही नहीं है. नहीं अच्छा चलो ठीक है जीरो कुछ जीरो होता नहीं है, जिस नंबर से इंपॉर्टेंट बात होती है उसका आंसर जीरो ही आएगा. हाँ हाँ ये सही है. जैसे जीरो को मैं जैसे यहाँ तो क्या था ना, टू को मैं टू इंटू एक्स की पावर जीरो लिख रही थी, सेवन इंटू एक्स की पावर जीरो लिख रही थी. अब जीरो को मैं क्या लिख सकती हूँ, जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो. जीरो को मैं ये भी लिख सकती हूँ, जीरो को मैं ये भी लिख सकती हूँ. कोई समस्या है क्या इसमें? नो मैम. नो मैम. बट मैम एवरी टाइम कितनी पावर ले लो एक्स की, अल्टीमेटली वो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगी, जीरो ही बन जाएगा. तो अगर तुमसे कोई डिग्री पूछेगा तो उसको क्या बताओगे, जीरो भी है, वन भी है, टू भी है, थाउजेंड भी है, टू हंड्रेड भी है, वन हंड्रेड वन भी है, मतलब कितनी सारी डिग्रीज बताओगे उसको? हम डिटरमाइन नहीं कर सकते ना, कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. इस वजह से क्या हो गया कि नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन हो गया. क्लियर है ये चीज? यहाँ पर क्या था, हर केस में एक्स की पावर जीरो आ रही थी क्योंकि एक्स की पावर जीरो वन होता है, तो वन को कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करे तो हमें कॉन्स्टेंट ही मिल रहा था. इस वजह से यहाँ हमारी डिग्री निकल गई, डिग्री क्या है, जीरो. बट जीरो के केस में वो चीज क्या हो रही है, आपकी फुलफिल नहीं हो रही है, मतलब वहां दिक्कत आ रही है, हम लोगों को पता नहीं चल रहा क्या है एग्जैक्टली. ठीक है कर लेंगे अब आप लोग इसको. चलो मेरे को चैट बॉक्स में देना, मैं कुछ आपको पॉलिनोमियल्स लिख रही हूँ, उसकी आपको डिग्री बतानी है. ठीक है और ये भी पहले देख लेना कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, कहीं तुम ऐसे ही शुरू हो जाओ. एक साथ लिख देना सारे आंसर, ऐसे अलग अलग मत लिखना. मतलब ऐसे ए का जब मान लो मैं फर्स्ट ऑप्शन लिखे ना, तो वन का वाई लिख देना, पॉलिनोमियल है तो, और डिग्री के लिए नंबर लिख देना जो भी डिग्री है उसकी. देखो अगर तुम ये सारे लिख लोगे ना ढंग से, इसका मतलब तुम्हें वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, क्योंकि इसमें एक ऐसा क्वेश्चन भी है जो थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, जो तुम्हें देखने में नहीं पता चलेगा कि अच्छे लेवल का है. ये सिक्स है, ये सेवेंथ है और ये एट है. चलो पहले पता होगा. अलीना बेटा आप 3:30 बजे आ रहे हो, 10 मिनट की क्लास हो जा रखी है. सोच के करना थोड़ा. ऐसा हो सकता है कि मैंने कुछ इजी आंसर्स लिख, मतलब क्वेश्चंस लिख के और फिर एक डिफिकल्ट डाल दिया ताकि तुम फ्लो फ्लो में गलत कर जाओ. मैम डू वी हैव टू आंसर इन डिग्री? चैट बॉक्स में कर दो बेटा. हाँ डिग्री भी बतानी है आपको. और देखो अगर थोड़ा सा सिंपल करना है तो जिसमें जो पॉलिनोमियल लिए ना वो छोड़ देना, बाकी की तुम फिर डिग्री बता दो. पॉलिनोमियल को लिखो ही मत कि ये है इसकी डिग्री बताओ, उसको लेफ्ट कर दो, बाकी जो बच गए वो लिख दो. अच्छा प्रिंस फंस गया है उस चीज में जो मैंने लिखी थी, बाकी देखो एक बार. हाँ ठीक है बेटा बोलो. मैम द डिग्री ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज जीरो ना? नंबर की डिग्री नहीं देखनी है आपको, वेरिएबल की. क्वेश्चन नंबर 4-6. हाँ तो ये अभी मैंने डिस्कस किया था पीछे, ऐसे को आप क्या लिख सकते हो वेरिएबल्स की टर्म में, लिख सकते हो आप कुछ जो हमने अभी पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था ना? यस यस 3210 नॉट पॉलीनोमियल
थ्री अच्छा अवंती कब समझ है आपका आंसर मुझे थ्री टू वन सब गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग जिसमें मैंने मंतुषा बेटा सारे नोट तो पॉलिनोमियल कैसे लिख दिए तुमने ऐसा नहीं हो सकता कि सारे नहीं है मेरे पास किसी का भी अभी तक एग्जैक्ट आंसर नहीं आया है हाँ ठीक है मंतुषा बेटा फर्स्ट ठीक है आपका बट आपने ये बाकी सारे नोट ऑफ पॉलीनोम में लिखा हुआ है ना ऊपर सेकंड थर्ड फोर्थ आपने सारे नोट ऑफ पॉलीनोम में लिख दिए फ्रेंड्स आपको आपके मिस्टेक समझ आई क्या काफी क्लोज हो मतलब आप आपके आई थिंक दो ऑप्शंस गलत हैं मैम मैंने लास्ट वाले तो पकड़ लिया है पर मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ पता नहीं चल रहा अच्छा लास्ट वाले के अलावा भी एक ऑप्शन आपका गलत है चेक करो उसको कौन सा ओके किसी को देना है और या मैं करा दूं अब गड़बड़ है मतलब अभी भी कॉन्सेप्ट में देखो पहले वाले में मुझे लगता किसी को प्रॉब्लम आई होगी x cube minus 5x plus 2 पहली बात तो हम लोगों को ये देखना था पॉलीनोमियल है कि नहीं अगर ये है तो फिर हम डिग्री पे जंप करेंगे ठीक है x cube minus 5x plus 2 यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है एक होल नंबर है यहाँ पावर 3 है इधर पावर 1 है और इधर क्या है x की पावर 0 होल नंबर है कोई दिक्कत नहीं है ये आपका पॉलीनोमियल है पॉलीनोमियल है इसकी डिग्री क्या है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तुम्हें क्या दिख रही है 3 ठीक है ये मेरे ख्याल से सबने ठीक आंसर दिया है सेकेंड पे आओ सेकंड पे अवंतिका बेटा आपने शायद इसको नॉट अ पॉलीनोमियल लिखा हुआ है ये डिग्री बता रखी है इसने देखो जो भी कर रखा है यहां क्या है पहले तो मुझे ये बताओ कितने फेवर में ये पॉलीनोमियल है हैंड रेस कर दो एक बार अच्छा इनके अलावा कोई भी नहीं उसमें है फेवर में कि ये पॉलीनोमियल है सात आठ बच्चे ही है बस ठीक है बाकी क्यों नहीं कर रहे वही हैंड रेस पॉलीनोमियल है इसमें क्या दिक्कत है हम लोगों ने कंडीशन क्या लगाई है पावर पे लगाई है हमने कंडीशन हम लोगों ने ना तो इन पे लगाई है कंडीशन ये नंबर्स क्या लिखे हुए हैं सिर्फ जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए होल नंबर इधर आपकी पावर क्या है टू है इधर वन है इधर क्या है बेसिकली वाई की पावर जीरो तो कोई दिक्कत नहीं है पॉलीनोमियल तो है ये डिग्री क्या है इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वाई क्या दिख रही है टू तो टू आपकी क्या होगी डिग्री होगी ठीक है थर्ड वाले में आएगा प्रॉब्लम थर्ड वाले में क्या होगा इन्होंने एक्स के ऊपर रूट लगा दिया सेकंड वाले में ना आपके वाई के ऊपर रूट नहीं था थर्ड में दिक्कत आ गई इन्होंने क्या किया एक्स के ऊपर रूट लगा दिया एक्स के ऊपर रूट का मतलब क्या है एक्स की पावर कितनी है 1/2 ठीक है पावर क्या होगी फ्रैक्शनल हो गई होल नंबर नहीं है ठीक है तो ये पॉलीनोमियल नहीं है क्लियर है अच्छा फोर्थ में जो बच्चा पूछ रहा था मैम कॉन्स्टेंट की पावर कैसे देखे देखो फोर्थ को मैंने कैसे लिखना सिखाया था इसको आप ऐसे लिख सकते हो यहां क्या है वेरिएबल की पावर कितनी है जीरो ये पॉलीनोमियल है कौन से टाइप का पॉलीनोमियल है ये कांस्टेंट पॉलीनोमियल है अभी हमने पीछे पढ़ा था ठीक है और इसकी कोई डिग्री आपसे पूछ ले तो कितनी हो जाएगी जीरो ठीक है फिफ्थ वाले में आओ फिफ्थ वाला क्या कह रहा है फिफ्थ वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है देखो अब इन्होंने एक्स वाई की जगह क्या ले रखा है टी ले रखा है इधर टू टी की पावर टू है इधर वन है इधर क्या है टी की पावर जीरो कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है होल नंबर्स है क्या हो गया आपका पॉलीनोमियल हो गया और डिग्री क्या होगी इसकी टू हो जाएगी हाईएस्ट पावर टी की कितनी है टू सिक्स्थ वाला क्या है सिक्स्थ वाला आपका पॉलीनोमियल ही नहीं है ऐसा क्यों ये जो सेकंड टर्म इन्होंने लिखी हुई है इसको आप कैसे लिखोगे फाइव एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन ये जो पावर है ये नेगेटिव चली गई पावर नेगेटिव चली गई दैट मीन्स ये होल नंबर नहीं है इसका मतलब ये पॉलीनोमियल भी नहीं है यहां तक क्लियर है सबको कोई दिक्कत यहां तक चलिए नेक्स्ट पे सेवेंथ क्या कह रहा है आपको वन माइनस रूट फाइव एक्स ये है कि नहीं है पॉलीनोमियल
यहाँ पर x की पावर 1 है, इधर x की पावर 0 है, ठीक है। तो x की पावर होल नंबर दिख रहे हैं तुम्हें, पॉलिनोमियल है, और कोई तुमसे डिग्री पूछ ले इसकी तो कितनी हो जाएगी, 1। एट्थ वाला देखो, एट्थ वाला क्वेश्चन अच्छा था। अब इसमें मोस्टली बच्चों ने नोट ऑफ पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, अब ऐसे देख के मत लिख दिया करो डायरेक्टली पॉलिनोमियल कि तुम्हें x की पावर 3/2। अगर तुम उस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। सिंपलीफाई हो सकता है ये, कैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है 6√x + x की पावर 3/2 अपॉन में क्या है √x। इसको अलग अलग ले जाऊं मैं, इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नो मैम। ये तो सेम ही हो गया, रूट एक्स से रूट एक्स तो गया, इधर तो खाली सिक्स बचा। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 है, नीचे एक्स का रूट लगा हुआ है, एक्स पर रूट लगा हुआ है, दैट मीन्स एक्स की पावर कितनी है 1/2। अच्छा फिर आपने एक्सपोनेंट्स वाले रूल्स पढ़े हैं, तो अब ये पावर बेस सेम हो गया, डिविजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 3/2 - 1/2, ये कितना हो जाएगा 6 + x। इसको एलसीएम लेके माइनस करोगे तो 3 - 1 2/2 बचेगा, ये बेसिकली 6 + x ही बच गया, और ये क्या है आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल है मतलब पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर x की पावर जो है वो क्या है 1 है, डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी, क्लियर है? यस मैम। कर लोगे सारे सारे टाइप्स की वैरायटी करा, मतलब सारी वैरायटी करा दी है मैंने इसमें। अब देखो नेक्स्ट एक लिखो, बताना है इसमें लीनियर पॉलिनोमियल बताना है आपको। इसका चैट पे ही दे देना आंसर, ठीक है, सिंपल आंसर है इसका। इसमें तुम लोग मुझे लीनियर पॉलिनोमियल तो बताना ही बताना, एक चीज और भी बताना कि इसके अंदर जैसे हमने टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल का डिवीजन किया था ना, मोनोमियल बाइनोमियल, तो मुझे ये पूछना है कि इसमें बाइनोमियल कितने हैं, तो दोनों का आंसर दे दो फटाफट। पहला तो लीनियर पॉलिनोमियल कौन कौन सा है इसमें से, या कौन सा है, एक ही है तो, और फिर बाइनोमियल कितने हैं। सेकेंड वाले का भी बेटा बाइनोमियल का भी बताओ फिर, ये तो ठीक है लीनियर पॉलिनोमियल बता रहे हो तुम, टू बाइनोमियल्स। सेकेंड इज लीनियर एंड टू बाइनोमियल्स आ गए, 3/4। अच्छा जो ये जो 3 बाइनोमियल बोल रहे हैं आप, रीजन दो एक बार, 3 कैसे हैं यहाँ पर, कौन देगा, कौन बताएगा? राघव बेटा आप बताओगे क्या, आपने 3 बाइनोमियल बोल रहे हैं? हाँ फ्रोज बेटा बोलो। अच्छा प्रिंस आपने तो आंसर कितना दिया था, 2 दिया था, 3 दिया था? मैंने 2 लिखा था, फिर समझ में आ गया कि 3 है, ठीक है मुझे पता चल गया आपको अपनी गलती का। और कोई बच्चा आसिया आप बताओ। मैम ये 3 बायनोमियल है क्योंकि हम सेकंड वाले को सिंपलीफाई कर सकते हैं। अब देखो जिन्होंने 2 दिया था उन लोगों को क्या हुआ, मतलब हुआ तो कुछ नहीं, बट उन लोगों ने यहाँ 3 टर्म्स देखी तो वो डायरेक्टली देख के जंप कर गए नेक्स्ट वाले पे, यहाँ तो 3 टर्म्स है बायनोमियल नहीं है,
यहाँ बेसिकली क्या लिखा हुआ है, x प्लस फाइव माइनस टू, फाइव माइनस टू टर्म्स अलग अलग काउंट करोगे क्या, थ्री टर्म्स काउंट करोगे इसमें, फाइव माइनस टू क्या होता है थ्री होता है, ये क्या हो गया आपका दो टर्म्स हो गए इसमें, सिंप्लीफाई आपने कर लिया, ये क्या है बेसिकली दो टर्म्स है तो बाइनोमियल है, ठीक है। तो ऐसे भी अगर मान लो इस तरीके से अलग अलग टर्म्स लिखी हुई है उन्होंने, मान लो वो अब कल को इस तरीके से लिख देगा तो तुम इसमें चार टर्म्स बताओगे क्या, चार टर्म्स नहीं है इसमें, कितने टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, दो ही है, ठीक है। फाइव प्लस फोर माइनस टू को तुम सॉल्व करके सेवन लिखोगे ना, या तुम कहीं मतलब लिखते हो तो ऐसे फाइव सेवन को फाइव प्लस फोर माइनस टू करके लिखते हो, ऐसे कभी नहीं लिखते, इसको सिंप्लीफाई करो, उसके बाद देखो इसमें टर्म्स कितनी है, यहाँ दो टर्म्स है, ये भी आपका क्या है बाइनोमियल। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल कितने, लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था क्या होता है जिसकी डिग्री क्या होती है वन होती है, अब इसमें भी डिग्री वन है, ठीक है। अब इसको तुमने सॉल्व करके x प्लस थ्री लिख दिया, इसमें भी डिग्री क्या है वन है, और यहाँ तो डिग्री वन है ही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है, करोगे? यस मैम, यस यस मैम। चलो ये बताओ, इसका भी चैट बॉक्स में लिख देना, पहले ये करो उसके बाद दूसरा एक और क्वेश्चन लिख रही हूँ वो करना। प्रिंसिपल ने थ्री आंसर किसका दिया, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ कि तुम सबका आंसर सही आया है, मतलब समझ आ गया तुम्हें ना। पहला क्या कह रहा है, फाइव माइनस टू इज अ पॉलीनोमियल फाइंड डिग्री, फाइव माइनस अलग अलग करके लिखा हुआ है इसने, फाइव माइनस टू क्या होता है थ्री, थ्री एक पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है थ्री, इस टाइप का पॉलिनोमियल है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है थ्री, उसकी डिग्री बतानी है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री बेशक तुम याद कर लो कितनी होती है, जीरो, जीरो। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है, तो देखो पहला तो ठीक है सबको समझ जाएगा, पी एक्स इक्वल टू जीरो दे रखा है डायरेक्टली, आपको देखने से ही पता चल रहा है ये है जीरो पॉलीनोमियल, ठीक है, ये तो है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेकंड में आओ, अब इन्होंने डायरेक्ट नहीं दे रखा, बट x की पावर जीरो क्या होता है वन, वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पर भी बेसिकली लिखा तो क्या ही हुआ है px is equal to zero, ये भी आपका क्या हो जाएगा जीरो पॉलीनोमियल है। लास्ट में आओ, जीरो इंटू कुछ भी कर दो उसका आंसर भी क्या ही होता है जीरो, यहाँ पर भी आपका क्या है ये जीरो पॉलीनोमियल है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है आपका ये आपका क्या है जीरो पॉलीनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स की पावर जीरो करते हो तो आंसर क्या मिलता है वन मिलता है, ठीक है, क्लियर है ये चीज, यस मैम, किसी को डाउट चले आगे, बस एक क्वेश्चन और कर लो फिर बाकी कल करेंगे। एक कोफिशिएंट्स का टॉपिक हो रहा है, वैसे आप लोगों को पता होगा कि भाई एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर में अगर वो आपसे x क्यूब का कोफिशियंट पूछ ले, कोफिशियंट क्या होता है जो वेरिएबल पार्ट है ना उसके साथ जो नंबर लगा हुआ है उसको बोलते हो आप कोफिशियंट, तो क्या हो जाएगा कोफिशियंट माइनस फाइव, और तुम्हें माइनस भी साथ लेना है, ऐसा नहीं कि तुम खाली फाइव लिख दो, x क्यूब का कोफिशियंट क्या है माइनस फाइव। इसी तरीके से मान लो वो ये पूछ ले यहाँ x क्यूब का कोफिशियंट क्या है लेकिन तुम ऐसे लिख सकते हो ना, कोई फर्क पड़ेगा क्या, जीरो इंटू एक्स क्यूब, जीरो इंटू एक्स क्यूब जीरो ही होता है, तो अब अगर कोई कोफिशियंट पूछ ले तो कोफिशियंट क्या हो गया एक्स क्यूब के साथ जो लगा हुआ है क्या है आपका जीरो,
ठीक है, कर लोगे ये छोटी छोटी चीजें? यस मैम, यस मैम। अब तुम्हें इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है बेटा, चलो फिर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया मेरा, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू मैम, ठीक है, थैंक यू मैम, बाय मैम, ठीक है, ग्रेट डे अहेड, थैंक यू मैम, बाय मैम। मैम लिंक पोस्ट कर दीजिए। क्या कह रहे हो? रिकॉर्डिंग मैम कल की। हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, वो करेंगे।